देखिए वेपर प्रेशर की बात करता हूँ, तो अभी मैंने बताया था आपको कंडेंसेशन और क्या बताया था इवेपोरेशन, और मैंने कहा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर इक्वल हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन तो अपन उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इतना आपको समझ में आ चुका था। अब इसके आगे देखिए कि डेफिनेशन आएगा व्हाट इज अ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का आप डेफिनेशन क्या देंगे, तो आप देखिए कंटेनर है और ये क्लोज कंटेनर, और वेपर प्रेशर कब आएगा जब कंटेनर क्लोज होगा। अगर ये कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं आ सकता। तो मान लीजिए ये कंटेनर कैसा है, क्लोज है। अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो काइनेटिक एनर्जी कारण किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, वेपर में। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वेपर बन रहे होंगे तो इवेपोरेट हो रहा है, और उसके बाद फिर वेपर बन के जाएगा ऊपर, टकराएगा इससे, देख रहे हैं ना, और फिर टकरा के फिर नीचे आएगा, फिर ये प्रेशर डालेगा। किसके ऊपर डालेगा, तो लिक्विड सरफेस पे, देख रहे हैं ना, इस लिक्विड के सरफेस पे ये प्रेशर डालेगा। कौन प्रेशर डाल रहा है, वाटर के जो वेपर बने हैं मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इस पर प्रेशर डाल रहे हैं। और ये जो प्रेशर डाल रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट हुए हैं, और ये वेपर जो है ये वेपर प्रेशर डाल रहा है। किस पे डाल रहा है, लिक्विड सरफेस पे। तो लिक्विड सरफेस पे जो वेपर प्रेशर डालता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। बट इसको डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर, वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है एट इक्विलिब्रियम। किस पे, इक्विलिब्रियम पे, ध्यान दीजिएगा। अभी इसके पहले इसलिए इक्विलिब्रियम बताया था, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी इक्विलिब्रियम यहाँ क्या बता रहा है कि जितना समय में कंडेंसेशन हो रहा है उतना ही समय में रेट ऑफ, क्या बोलते हैं अपन, उतने समय इवेपोरेट हो रहा है, ठीक। तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, याद करना अभी इसके पीछे वाला। अब देखिए प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, राइट। आगे देखिए नोट, अगर जो वेपर प्रेशर होता है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर इज अ नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये कोई अमाउंट थोड़े है जिसको मैं मिला रहा हूँ, ठीक। अमाउंट तो है नहीं, क्यों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट बताता हूँ।